हैं इस पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हिला खींचते खींचते आते मुंह में आ जा रही हैं। अखिलेश और योगी जी उतर कर थोड़ा धक्का लगा दो। अरे मुझसे खींच नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं खींच पा रहा है। उतर जाओ पानी में। नहीं पता नहीं इस बार बारिश भी कितनी हुई है, बहुत बारिश हुई है इस बार। मोदी जी मैं तो नहीं उतरूंगा, मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगा। ये पानी बहुत गंदा है, गटर का पानी है, इसमें गटर की गंदगी बह बह के आ रही है। मैं नीचे बिल्कुल नहीं उतरूंगा, मैं आपको किराया दे रहा हूँ, मैं क्यों उतरूँ, तुम ही खींचो। गजब बेइज्जती है। एक तो सब्जी ढोने वाले ठेले पे हमें बैठा दिया है, ये सब्जी ढोने वाला ठेला है, इस पर सवारी क्यों ढो रहे हो? अरे इस पापी पेंट के लिए इस पर सवारी ढोता हूँ, वैसे तो ये सामान ढोने का ठेला है, ये पापी पेंट जो करा ले वो कम है। योगी जी तुम ही उतर जाओ, नवाब मत बनो, उतर कर पानी में थोड़ा धक्का लगा दो, मुझसे अकेले खींच नहीं पा रहा है ये। रुको जरा। देखो मोदी जी मैं भी पानी में बिल्कुल नहीं उतरूंगा, ये पानी बहुत गंदा है, ये बिजनेस है तुम्हारा, तुम बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तुम ये खींचो, मैं नीचे क्यों उतरूं गंदगी में। अरे बार बार पैसे की क्या बात कर रहे हो, कौन सी दौलत दे रहे हो तुम मुझे ये बताओ। अरे मैंने 50 रुपए सवारी बताया था तुम्हें और तुम 10 रुपए सवारी में मुझसे तय होकर आए हो, 50 रुपए से 10 रुपए पे आ गए तुम, तो कौन सी दौलत दे रहे हो। मैंने सोचा खाली जा रहा हूँ तो तुम्हें बैठा लूँ, नहीं तो 10 रुपए सवारी में मैं किसी हाल में तुम्हें नहीं बैठाता। मोदी जी, अरे मोदी जी खेत में से काम करके आ गए। अरे यार ये मेरा बुलडोजर फंस गया, इसके टायर के सामने से थोड़ी मट्टी मार दो अपने फावड़े से, ये फंस गया, जितने की दिहाड़ी नहीं की उससे ज्यादा का नुकसान हो गया। अरे योगी जी जब से तुमने ये बुलडोजर खरीदा है जितने की तुम दिहाड़ी नहीं करते हो उससे ज्यादा नुकसान कर लेते हो। अब तुमने ये कहा मट्टी में इसे फंसा लिया, गड्ढे में, इतने गहरे गड्ढे में कैसे फंसा लिया। जब से तुमने ये बुलडोजर खरीदा है एक तो तुम्हारा नाम भी बुलडोजर बाबा पड़ गया है। अरे मुझसे ये काम नहीं होगा, इस बुढ़ापे में मैं कहां फावड़े से इसके सामने से मट्टी निकालूंगा, टायर के सामने से मैं मट्टी नहीं निकाल पाऊंगा। वो देखो पीछे अखिलेश आ रहा है, अखिलेश से बोलो वो निकाल देगा, वो जवान है अभी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे अखिलेश भाई, अरे अखिलेश भाई यार मेरे बुलडोजर के टायर के सामने से मट्टी निकाल दो यार, बुलडोजर फंस गया ये। अरे योगी जी उर्फ बुलडोजर बाबा, अरे अपना ये बुलडोजर कहाँ कहाँ चलाते फिरते हो, अरे गड्ढा देखते हो ना कहीं देखते हो, तुमने कहाँ फंसा लिया तुमने ये। अरे इसके सामने से मट्टी ऐसे निकल जाएगी, बहुत मट्टी है, ये तो बिल्कुल पूरा दब गया है, इसके टायर तो पूरे मट्टी में ढस गए। इसके लिए तो दूसरा बुलडोजर बुलाना पड़ेगा, अभी ये निकल पाएगा भाई, मेरी बस की बात नहीं है मैं इतनी मट्टी हटा लूं। अरे क्यों भाई अखिलेश, नो एंट्री में टेम्पो घुसाएगा तू अपना, मैं तेरा चालान करता हूँ और चालान के पैसे है नहीं तुझपे, इसलिए मुर्गा बन जा, मुर्गा बन जा। और भाई योगी जी तुम इसके साथ क्यों लगे हुए हो, तुम इसे अपना दोस्त बना लिया, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते फिरते हो, तुम भी मुर्गा बन जाओ, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, नहीं तो तुम इसके चालान के पैसे दो। अरे मोदी जी मेरी जिम में एक पैसा नहीं है, सुबह से बोनी नहीं हुई है, इसीलिए मैं इस एरिया में आ गया, मुझे क्या पता ये नो एंट्री का एरिया है, मेरे पास चालान के पैसे नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात, आगे बहुत दर्द कर रही है। अरे मुझे छोड़ दीजिए। अरे योगी जी तुम पर कुछ पैसे पड़े हैं, अगर कुछ पड़े हो तो उधार दे दो, अभी कुछ सवारी मिल जाएंगी तो पैसे मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। पैसा ही पैसा होगा। अरे नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं पड़ा है, कोई भी पैसा नहीं पड़ा है, मैं भी तुम्हारे साथ बस यूं ही मौज मस्ती पे निकल जाता हूँ। अरे मोदी जी छोड़ दीजिए हम दोनों को। अरे बैठ नहीं मिल रहा है बिल्कुल, मेरे कान नहीं पकड़े जा रहे मुझसे, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। कंट्रोल नहीं, चालान का तो पैसा दे के जाओगे तुम, ये तो सरकारी काम है, अगर नहीं दे के जाओगे तो ऐसा करो ये टेम्पो यहीं पे जमा कर जाओ और पैदल जाओ अपने घर, जाओ पैसे लेके आना और फिर टेम्पो ले जाना। अरे मोदी जी चारपाई के नीचे से निकल आओ, राहुल आ गया, वो देखो मजाक बना रहा है, समझे, निकल आओ। गया। अरे राहुल तुम भी आ गए, मैं इन दोनों से कम परेशान था, तुम आ गए, ये कल शाम से मेरे यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और ये नहीं जानते मेरे पास एक ही चारपाई है, अब ये बताओ एक चारपाई और हम तीन लोग कैसे सोएंगे, इसीलिए मैंने नीचे सोने का इंतजाम कर लिया है, ये देखो इसी तरीके से सो रहा हूँ, ये दोनों ऊपर लेट गए, ये मेहमान थे इसीलिए मैंने ऊपर लेटा दिया इनको। अरे मोदी जी तुम बता तो देते कि तुम्हारे पास एक चारपाई है तो हम यहाँ तुम्हारे पास नहीं रुकते, समझे, हमारे तो रुकने की बहुत सी जगह है, हम दोनों तो इधर उधर फिरते रहते हैं, किसी और के यहाँ पर रुक जाते, और तुम्हारी इस चारपाई में खटमल पता है कितनी है, पूरी रात हम दोनों को खटमल ने काटा। रुको जरा। अरे योगी जी अखिलेश जी वो खटमल नहीं थे,
वो नीचे से ही मैं चुटकी भरता था। वो इसलिए भरता था कि आगे तुम मेरे पास यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आओ। खटमल समझकर कभी मेरे यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आओ, मेरी चारपाई पर नहीं सो। गजब बेइज्जती है। अरे मोदी जी, तो ऐसे चुटकी लेने की क्या जरूरत थी? हमसे वैसे कह देते हमारे यहाँ से चले जाओ तो हम नहीं रुकते तुम्हारे यहाँ पर, भाग जाते। अरे हम पूरी रात इस खटिया में खटमल ढूंढते रहे, समझे? हमें क्या पता तुम चुटकी ले रहे हो नीचे से। अरे मोदी जी, सब साइकिल में कुशल मंगल तो है। कभी तुम मेरी साइकिल का टायर ट्यूब देखते हो, कभी मेरी शक्ल देखते हो, ये बताओ बड़ा पिंचर तो नहीं है कोई? ठीक है मेरी ट्यूब नहीं। अरे कुशल मंगल की बात करती हूँ अखिलेश, और पिंचर की बात करती हूँ, अरे ये तो तुम्हारा ट्यूब और टायर दोनों फट गए। इस पर कितना लोड लादा था? मजा आया। अरे कितना वजन लाद दिया था? ये साइकिल है, कोई लोड गाड़ी नहीं जो उस पर लोड इतना लाद दो। कैसा लोड लाद दिया, ये टायर फट गया इसका। अरे मोदी जी, मैं तो इस पर कोई वजन नहीं लादता हूँ। यही पीछे जो योगी जी मुस्कुरा रहे हैं, यही चुपके से मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाते, यही बैठे थे अभी, तभी टायर में से आवाज हुई, मैं समझा पिंचर हो गया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लाया। तुम्हारा पिंचर सही करने में दूर दूर तक नाम है, इसीलिए मैं तुम्हारे ही पास लाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे मुझे बदनाम मत करो अखिलेश, बिल्कुल भी बदनाम मत करो। अरे तुम्हारा टायर ट्यूब पहले से ही कमजोर था, तुम खुद नीचे उतर कर चलते थे, पैदल पैदल साइकिल को चलाते थे, समझे? लोड तक नहीं डालते थे उस पर, अब फट गया तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अरे ये झगड़ा जो, ये बताओ अखिलेश, टायर ट्यूब डालूं कि नहीं डालूं? इसमें 400 रुपए का खर्चा आएगा, अभी बता देता हूँ, बात को झिकझिक मत करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी पैसे तो है नहीं, उधार डालो तो डाल दो, समझे? नहीं तो ऐसी रहने दो। अरे मोदी जी, ढील दो, ढील दो, ढील दो, नहीं तो पतंग कट जाएगी, थोड़ी ढील दो। अरे ये ढील वाला मजा है, ढील दो। अरे कट गई पतंग। अरे कैसे उड़ाते हो मोदी जी, तुम्हें बिल्कुल भी उड़ाना नहीं आता है। ये अखिलेश ने अभी 3 पतंग काटी है दूसरों की, तुमने पहली बार उड़ाई अपनी पतंग कटवा ली। पहले ये बताओ, इस पतंग के किन्ने किसने बांधे थे? शुरू से ये पतंग एक तरफ उड़ी नहीं रही थी, एक तरफ भाग रही थी, किसी ने सही तरीके से नहीं बांधे थे किन्ने, ये बताओ किसने बांधे थे? और ये बताओ, ये माजा किसकी दुकान से लाए थे जो इतना घटिया माजा लाए जो कट गई? और तुम भी चरखी को सही से नहीं पकड़े थे, मैं ढील दे रहा था, तुम्हारी चरखी से माजा निकली नहीं पा रहा था, तुमने जकड़ नहीं थी चरखी, जाने क्या कर रहा था। क्या बात है सर। अरे मोदी जी, ये तो लालू जी की दुकान का माजा था, अभी इस माजे से ही तो मैंने 3 पतंगे काटी, तुम्हारी पतंग कैसे कट गई? ये बताओ, तुम्हें उड़ाना नहीं आता, समझे? गजब बेइज्जती है। अरे कैसी बात करती हूँ अखिलेश, पिछली बार मैंने राहुल की पूरी 350 पतंगे काटी थी, पतंग उड़ाना नहीं आता मुझसे कह रहे हो, समझे? अरे इस लालू ने ही कोई माजे में घोटाला किया होगा, नहीं तो मैं पतंग बहुत अच्छी उड़ाता हूँ, ये माजा गड़बड़ था, समझे?